क्या होगा सर? नहीं चलेगा। आपका 4x4 है? हाँ, लेकिन मेरा ज्यादातर छोटा गाड़ी लो 4x4 नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। दामिन आज हो पाएगा? मशीन आगे जा रहा है। हाँ, तो आज हो पाएगा? चांस तो है खुलने का, खुलने के चांसेस ज्यादा है। आज हम लोग जा रहा है दामिन, लेकिन लगता नहीं आज हम दामिन पहुंच पाएगा, क्योंकि ये दामिन और कोल्ड ड्रिंक के बीच में इतना बर्फबारी हो गया, कोल्ड ड्रिंक से लगभग 60 प्लस किलोमीटर पे पड़ता है ये। ये जगह का नाम है हुगु। पूरा गाड़ी फंस चुका है यहाँ पे लाइन। कहाँ तक जाएगा आज हम लोग ट्राई करेगा। बर्फ ही बर्फ है, गाड़ी तो लगता नहीं है यहाँ से जा पाएगा दामिन जाने के लिए। निकला था कोल्ड ड्रिंक से, अभी लगता तो नहीं है पहुंच पाएगा। ओके, हम लोग दामिन जाने के लिए कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, बर्फ और गिर रहा है, इसका चलते हम लोग वापस जा रहा है। आज गोल्डिंग हॉल करेगा। इतना ठंडा है, जैकेट नहीं पहना क्या? लोकल हाउस, सब सो रहा है अभी तक। आज दूसरा दिन है हम लोग दामिन जाने के लिए, फिर से ट्राई करेगा आज। आज तो धूप निकला है, मौसम तो बढ़िया है, लेकिन कल रात का बर्फ अभी रोड में ऐसे शीशे की तरह जमा हुआ है, उस पर तो गाड़ी चलाना मुश्किल है। आ रहा है एक महिंद्रा टार है, एक टाटा 5, ये रेडियो सिटी ईटानगर का गाड़ी महिंद्रा टार। महिंद्रा बोलेरो पिकअप 4x4 है, ये भी नहीं चल पा रहा है। आप देख सकते हैं आईने की तरह जमा हुआ है, या कुछ लोग आया पिक्चर क्लिक करने के लिए। हम लोग अपना घर जाने के लिए फंसा हुआ है, लोग यहाँ मस्ती के लिए आया। ऐसे जम गया, पूरी 51 किलोमीटर दिखा रहा है। यहाँ पे एक झरना है,
मजा वाला झरना। ये अबंग बहुत सुंदर है बड़ा भैया। बसो काफी है ये नीचे। वाह ना जमा कर, बर्फ ही बर्फ है। हम लोग एक डेमो बनाया इंसान का। ये अबंग बढ़िया है, दोस्त है। दूसरा वाला भाई यहाँ पे किया। गनल बजा रहे क्या? नहीं आ दोनों चश्मा हटा के एक भाई कपड़ा पहन रहा है अभी। यहाँ पे टिबेटन ग्रीन टी बना के पिएगा बर्फ में। ये है बड़ा भैया भाई, ये भी भाई चाय बना के पिएगा साला। ये चाय बना रहा है। स्मार्ट सिटी ईटानगर का टोपी पहना हुआ है। उधर उधर जा, उधर जा। बस चलो डांस पार्टी मिल गया यहाँ पे। अले पाए सो 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 शिशु दक्पत के। चलो चलो एक तो गिर भी गया। जिसको फाइनली वो हो सा गया फायर। बस बस एकदम एकदम डेंजर जोन में है अभी भी चल रहा है। आगे तक जाएगा दामिन पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है चल तो रहा है। या अभी सबसे हैवी स्नो जगह में हम पहुंच गया। यह अभी बोल रहा है कि ब्लॉक है आगे नहीं जा पाएगा बोल रहा है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहा है आगे जाने के लिए दामिन पहुंचते हैं। आप जा रहे हैं धामिन, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस तरफ आए तो अपना सोच समझ कर आइए क्योंकि अभी हालात बहुत ख़राब है यहाँ। हमारे ग्रिप के वर्कर भी लगे हुए हैं अभी दिन रात। और सभी से मैं रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि सभी कोऑपरेट करें यहाँ जितने भी बाईपासर्स हैं साइड सीइंग के लिए जो भी आते हैं। अपना पेशेंस रखिए और जल्दी ठीक हो जाएंगे उम्मीद करते हैं। सर कहीं लेकर हो सकता है? जरूर 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 अभी मैं जाऊँगा ठीक हो। ये ब्लॉक पॉइंट बोथ साइड से मार के यहाँ तक पहुँच गया। सब गाड़ी लाइन लाइन पे है।
कॉपियों को देखिए, हालत खराब है। बर्फ तीन दिन सोया है, तीन दिन यहाँ फंसा हुआ है, बोल रहा है। तीन दिन फंसा हुआ है, इसलिए ऊपर में पूरा बर्फ जमा हुआ है। जो घर देख रहे हो बीआरओ लेबर लोग का घर है, बर्फ में ढका हुआ है। फिर से यार रुक गया, स्टक हो गया यहाँ पे, चढ़ाई पे चढ़ने नहीं चढ़ रहा है। अभी रात हो गया, अभी भी बर्फ में फंसा हुआ है, लेकिन आज कंफर्म हो गया दामिन हम लोग पहुंचेगा। ऐसा जर्नी सुबह से शाम हो गया, 5 घंटा का जर्नी को आज हम लोग 12 घंटा जर्नी में कन्वर्ट हो गया बर्फ का कारण। कुकू में बर्फ में घिस घिस के हम लोग दामिन पहुंच गया, और आज ये दूसरा दिन है। आज हम लोग यहाँ पे कपिला पे है, हाइकिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है दो क्लान मिलके, टुलू मोटरवा। यहाँ पे झरना है बोल के भी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। हम लोग हाइकिंग प्रोग्राम किया सामने में, तो देखा तो यहाँ पे एक झरना है, चलो उसको भी एक्सप्लोर करेगा बोल के जा रहा है। ये खाने वाला है, वायल है, वायल सब्जी सूजी कहता है उसको। लेफ्ट साइड में एक छोटा वाला झरना है, और राइट साइड में ये है। रेम्बो निकला हुआ है, आप देख सकता है यार। ये है पुकपुक वाटरफॉल जो कपिला में पड़ता है, दामिन सर्कल कुमकुमे डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे एक वाइल्ड ट्रैप लगा हुआ है, बड़ा भैया मेंढक की तरह चढ़ गया। अरे आबू संभल के, और मर जा। फुल ग्रेनरी इसको कहता है, फुल ग्रेनरी ये जो इसको निसी में कहता है, हुजी हुजी की सब्जी इसको खाया जाता है। ये हबाब सब्जी है, ये जो हबाब इसको खाया जाता है हम लोग। ये हो बाबे, हम लोग जंगल में कहीं में भी पास गया उसको सब्जी बना कर काके जी लेगा। वाइल्ड वाला खाने वाला पीर मिल गया, बहुत टेंगा है इसको ना, इसको ऐसा काटता है। अरे इसको क्या बोलता है, रबर भैया, ये बहुत टेंगा है बोल रहा है। प्यास लगने से उसको खाने से 2-3 घंटा तक प्यास नहीं लगेगा। अच्छा, ये वो पेड़ ऐसे तोड़ा जाता है, ये ऐसे तरह दिखता है, ये जंगल इलायची वाला, ये वायल इलायची अभी निकल रहा है, ये उसका हिस्सा होता है। ये वायल इलायची है, ये जो पूरा चूहा का दिया, चूहा का दिया इसका माँ जो ये, तो इसका लिप मिश्र में बिक्की भी बोलता है, और नीचे में इसको बिक्की भी ये बोलता है। करके देखते हैं इसको कितना टिंगा है। ओ, बहुत टिंगा है तो।
नींबू से भी कटता है उसको, मिथुन भी काटता है देखो, मिथुन जो उसका पत्ता को पूरा काट जाता है। अभी कंप्लेन करना शुरू हो गया कि काम में हाथ नहीं बता के जन्ना देखने गया बोल के। चलो जो भी अपना लोग ही है। ये भाई नमक, ये हाइकिंग पार्टी या रोस्टिंग चल रहा है अभी। यहाँ पे सिंगर आ गया, जैसे पहले से सिंगर हायर किया वाला है। इटानगर से सिंगर हायर किया वाला है, स्मार्ट सिटी वॉलंटियर जो है। जैसे पहले से वहाँ भी भर्ती है, जीने की वजह कुछ भी नहीं। अरे घुमा और सुबह हम लोग ये सोच कर निकला था कि रास्ता क्लियर होगा, रास्ता क्लियर होगा तो हम लोग सीधा ईटानगर की ओर रवाना होगा। ये सोच कर हम सभी सुबह 4 बजे को दामिन से निकला था और यहाँ आते गया बर्फ थमने का नाम नहीं ले रहा है। बर्फ बड़ी मात्रा से बर्फ गिर रहा है यहाँ पर, जिसे बर्फ गिर रहा है। और यहाँ गाड़ी तैरने वाला लोग जेसीबी में सफर कर रहा है, इतना बर्फबारी है। आर्मी का टैंकर जो हम दोनों दो गाड़ी को किसके ले जा रहा है?